अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए अपने अब वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से कहूंगा कि वो अंगवस्त्र देकर और हनुमान जी की प्रतिमा और लोग जाए ना जाए ना आगे, अरे साइड में रहिए। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हनुमान जी की प्रतिमा दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब आप सबके लोकप्रिय सांसद माननीय अरुण कुमार सागर जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह है, वो हमारी मान आन बान शान है, ऐसा कमल का फूल प्रदान करके सम्मानित करने की कृपा करें माननीय अरुण कुमार सागर जी माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप उस जनपद शाहजहांपुर के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और आपके क्षेत्रीय विधायक वीर विक्रम प्रिंसी की ओर से एक दोनों नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का परमानंद गांव के विश्वकर्मा समाज के लोगों द्वारा हाथ से बनाया हुआ हल वो प्रदान करेंगे वीर विक्रम सिंह प्रिंस जी और जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा जी है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हम सबके नेता वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत उद्बोधन कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डीपीएस राठौर जी। बहनों और भाइयों, एक बार जोर से नारा लगाएंगे भारत माता की। बहनों और भाइयों, आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में जिसके नाम के चर्चे हैं, ऐसे त्यागी तपस्वी सन्यासी जन जन के नेता भारतवर्ष में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज शाहजहांपुर शहीदों की धरती पर उनका आगमन हुआ है। हम हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहन और भाइयों, जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष और विदेशों तक में जनता की सोच बदली है। मित्रों, सोच बदलना कोई एक घटना का परिणाम नहीं होता, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स इस प्रकार से घटी कि आज उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं कानून और व्यवस्था में, जिसका लोहा देश और दुनिया के कई देशों ने माना है, जहां तक विकास का सवाल है हर मुमकिन चीज को उन्होंने मुमकिन बनाया है, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, प्रत्येक नागरिक को यह एहसास करा दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश से निकलकर एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर है और अब सर्वोत्तम प्रदेश की ओर हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है। आप कल्पना करिए, जो उत्तर प्रदेश 12 से 17 तक एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की मजबूत हुई है। आप अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है, आर्थिक स्थिति ठीक है, तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है। बहनों और भाइयों, शाहजहांपुर के लिए जो कुछ भी दिया उन्होंने, एक लंबी फहरिस्त है, हम उसको गिनाना नहीं चाहते, समय बहुत लगेगा, लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हम लोगों के मांगने में कमी हो सकती है, हम लोगों की मांगने में ढिलाई हो सकती है, लेकिन हम जैसे ही उनके सामने कोई प्रस्ताव रखते थे, हमारा आधा सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता था और उनके मुंह से सहमति या सकारात्मक विचार उनके प्रकट होने लगते थे। आज शाहजहांपुर को नगर निगम बनाना, गंगा एक्सप्रेस वे शाहजहांपुर से निकालना, शाहजहांपुर में तमाम इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज को देना और हर तरीके से शाहजहांपुर की सड़कें हों, चाहे सिंचाई के साधन हों, चाहे अभ्युदय योजना में छात्रों को अभ्युदय के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था हो, चाहे नकल विहीन परीक्षा हो, एक एक उनकी उपलब्धि
आज जनता के जवान पर है। आज ऐसे जन जन के नायक, त्यागी, तपस्वी और सन्यासी का हम शाहजहानपुर की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपके और उनके बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, हम अपने सांसद जी को आमंत्रित करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे सांसद जी जो अरुण कुमार सागर जी को कि वो चंद मिनटों में अपनी बात कहें और उसके बाद अच्छा श्री हम उसके बाद जाते हैं। मैं बहनों और भाइयों, हमारे लोक निर्माण मंत्री और अभी अभी पीलीभीत में विरोधियों को धूल चटाकर आए हैं श्री जितेंद्र प्रसाद जी, जो पहले भी केंद्र में मंत्री रहे हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री हैं। आदरणीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। श्री जितेंद्र प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हमारे शाहजहांपुर में, शहीदों की नगरी खुदागंज में, मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत कीजिए। यहाँ जिनको अभी हम सुन रहे थे, आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा जी, हमारे प्रत्याशी अरुण सागर जी, हमारे विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस जी, सभी सम्मानित लोग, जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा जी जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और आप लोगों ने इतनी बड़ी गर्मी में भी यहाँ उपस्थित होकर ये दर्शाया है कि आने वाली 13 तारीख को प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री जी का तीसरे कार्यकाल में शाहजहांपुर का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो जरा जोर से बता दीजिए मुख्यमंत्री जी को कि 13 तारीख को प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। मुझे मालूम है गर्मी बहुत है, इसका यह मतलब नहीं कि शाहजहांपुर से आवाज ना निकले, कमल का फूल खिलेगा अब मालूम पड़ रहा है। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, जिनका चाहे पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक उत्तर प्रदेश की हर धड़कन पे नजर रहती है और मुझे सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है। और मैंने देखा है मुख्यमंत्री जी के योगदान और उनके नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी और योगी जी के उसमें तो हुआ ही है। एक नई नगरी अयोध्या धाम की वहां स्थापित हुई है और उसी के तर्ज पे जो वहां विकास और सौंदर्यकरण और एयरपोर्ट से लेकर व्यवस्थाएं बनी है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ये डबल इंजन मोदी जी का और योगी जी का, हमारा शाहजहांपुर जनपद भी चमकता हुआ वर्ल्ड क्लास आने वाले समय में होगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा शाहजहांपुर कि नाम टॉप 10 शहरों में, जिलों में इस प्रदेश के होगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का शाहजहांपुर की धरती पे पुनः स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र प्रसाद जी। अब मैं आप सबके लोकप्रिय सांसद 27 लोकसभा के प्रत्याशी अरुण सागर जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के आप लोगों से बात करने का। सम्मानित साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश के ऊर्जावान, हम सबके मार्गदर्शक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुझे अपना आशीर्वाद आप सभी को यहाँ पर देने आए हैं। मैं पूरी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 2019 में, आपके आशीर्वाद से
मैं लोकसभा प्रत्याशी बना था। पूरे 5 साल के कार्यकाल में जब भी मैं महाराज जी से मिला, जो भी मैंने कह दिया वो क्षेत्र के लिए पूरा करने का काम किया है। ऐसे आज हमारे बीच में महाराज जी हैं, मैं उनका चरणों में नमन और वंदन करते हुए उनका स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और सारे हम तो हमेशा आप लोगों के बीच में रहता हूँ, हर समय बात होती रहती है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। अय उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। कतरा होकर के भी तूफानों से जंग लेते हैं, ऐसे योगी को बचाना संभालना आपकी जिम्मेदारी है। दुआ कीजिए सलामत रहे इनकी हिम्मत कि एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा। खड़े होकर के ताली बजा करके स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हनुमत धाम के बजरंग बली की, हनुमत धाम के बजरंग बली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और पीलीभीत संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने जोरदार चुनाव लड़ा है, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, पूर्व मंत्री और क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा जी, लोकप्रिय सांसद और इस क्षेत्र से पुनः प्रत्याशी बनाए गए श्री अरुण सागर जी, जिलाध्यक्ष श्री कृष्णंद मिश्र जी, लोकसभा के प्रभारी रामगोपाल मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता जी, विधायक कटरा श्री वीर विक्रम सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री चेतराम जी, हरिप्रकाश वर्मा जी, श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, लोकसभा के संयोजक अरुण गुप्ता जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह राठौर जी, महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्पाउल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में भी आप इस जनसभा में आए हैं और लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, मजबूत बनने के लिए, अपनी सहभागिता के लिए मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए बहनों और भाइयों मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं यहां आ रहा था तो मैं देख के भौचक था कि शाहजहांपुर एक ऐसा जिला है जहां लाड साहब का जुलूस भी निकलता है और वहां पर ने लाड साहब के जुलूस का बड़ा अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं, मैंने सुना है।
और खन्ना जी कहीं भी हो लेकिन लाड साहब के जुलूस में भाग लेने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, अभी भी खुदागंज और अल्लाहगंज जैसे कस्बे भी यहां पर हैं और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। मोदी जी ने कहा है ना, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पंच प्रण की बात की। पंच प्रण में गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत का सम्मान करना। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। भारत के विकास को हम लोग मन वचन कर्म से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपनी विरासत का सम्मान भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का हो, या फिर सांझापुर में अमर शहीदों का भव्य म्यूजियम बनाने का कार्य हो, या फिर सांझापुर के हनुमत धाम में विराट बजरंग बली की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य हो, ये सभी विरासत का सम्मान है। और बहनों और भाइयों, उसी विरासत के सम्मान के साथ जोड़ने के लिए आज ठाकुर रोशन सिंह के इस पावन धरा पर, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के इस पावन धरा पर आकर के इस धरा को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके आगमन के लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, मैं आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस धरती पर आया था। मैं यहां आया था तब ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर एक महाविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। बहनों और भाइयों, इन शहीदों के शौर्य और पराक्रम का, उनके त्याग और बलिदान का परिणाम है कि आज हम सबको आजादी मिली है। इस आजाद भारत में हम अपने अनुसार योजनाएं बना पा रहे हैं, बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को सम्मान मिल पा रहा है। कोई भेद नहीं है, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबको बराबर सम्मान प्राप्त हो रहा है। इन महानायकों के कारण आज भारत दुनिया का सिरमौर मोदी जी के नेतृत्व में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सपना जो हमारे शहीदों का था, जो बलिदानों का था, क्या कहा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने? यही तो कहा था जब फांसी हो रही थी, जेलर ने पूछा था क्या अंतिम इच्छा है। लोग मानते हैं कि भाई किसी को अगर हम फांसी दे रहे हैं उससे पूछेंगे अंतिम इच्छा, वो कहेगा साहब मुझे छोड़ दो, वो एक बार माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, मैं अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा था मुझे तो एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है मेरी कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और जब भी मेरा जन्म हो वह मातृभूमि के लिए समर्पण का हो, मातृभूमि के लिए बलिदान का हो। यही तो कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं और यही ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था, यही अशफाकउल्लाह खां ने कहा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ इन क्रांतिकारियों का महाराणा प्रताप से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, एक लंबा इतिहास है भारत की आजादी के इन नायकों का, जिन्होंने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना अपने संकल्प से डिगे भारत की स्वाधीनता के लिए लोग लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। जब लोग मानते थे कि अंग्रेजों के कार्यकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन इनका संकल्प था कि हम अंग्रेजों का सूर्य अस्त करके रहेंगे और भारत की स्वाधीनता का सूर्योदय होगा। और बहनों और भाइयों, आज उसी नए भारत में हम लोग जन्म लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं।
एक तरफ भारत के नमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन। आपने देखा होगा अभी दो दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। बहनों और भाइयों, आज देश अपने आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर गया है और अमृत काल का संकल्प क्या है? विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को काम होगा। हर महिला आत्मनिर्भर होगी, उसके हाथ को कार्य होगा। हर किसान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को कार्य होगा और खुशहाल होगा। हर हस्तशिल्पी के हाथ को कार्य होगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे। हर श्रमिक खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, जैसे हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। बहनों और भाइयों, और जब आत्मनिर्भर भारत होगा, वही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने इस विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में भारत बदला है। 10 वर्ष पहले की कल्पना करिए, क्या था भारत? नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, बीमार चिकित्सा सुविधा के अभाव में मरता था, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास दवा का पैसा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं चिकित्सालय नहीं है। और आज नए भारत में हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है। खन्ना जी और जितिन जी और हमारे विधायक गण तो एक्सप्रेसवे को इसी हरदोई इसी साझापुर होते हुए लेके जा रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बनने जा रहा है। अगर बाय चांस कभी किसी दुश्मन से युद्ध करना पड़े तो भारतीय वायुसेना के विमान इसी एक्सप्रेसवे पे उतर करके यहीं से फिर दुश्मन के देश पर हमला करने की तैयारी करेंगे। यही सांझापुर में होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा विकास के कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। खन्ना जी भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, जितिन प्रसाद जी नई योजनाओं को लेके आ जाते हैं,
जेपीएस राठौर भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, हमारे सांसद, हमारे विधायक, ये सभी लोग लग करके विकास की इस मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नया उत्तर प्रदेश का नया साझापुर भी आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, उसी नए भारत में दुनिया में सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा पुख्ता, अब तो पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा योगदान नहीं है, मैंने नहीं किया है, मैं नहीं किया हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि से मालूम होता उसको ये पता है कि अगर देर कर दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए फिर, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए इस नए भारत में आज हम सब रह रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजना को देखो ना, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा की सरकार के समय लोग भूख से मरते थे। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीब घरों में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। और हमने तो यूपी से भी व्यवस्था की है, होली और दीपावली में एक एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए हैं। और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब हैं, जितने भी पात्र लोग हैं, जिनके घर में रसोई गैस का सिलेंडर नहीं है, उन सबको हम फ्री में सिलेंडर का कनेक्शन देंगे। और जिनके घर नहीं, उनको एक एक मकान भी उपलब्ध करवाएंगे। आप भी अपने तरीके से घोषणा करके आइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, योगी जी का प्रतिनिधि बन करके आप भी गांव-गांव में बोल दीजिए, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, आश्वस्त कर दीजिए। बहनों और भाइयों, जहां ये कार्य है वहीं साथ ही साथ अयोध्या में रामलला भी आ गए। कांग्रेस क्या कहती थी, कहते थे राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता। अरे कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या आए थे, आपने देखा होगा, लाखों लोग उमड़े थे, लाखों लोग आए थे और सभी लोग मोदी जी का अभिवादन कर रहे थे और सब लोगों के स्वर मुंह में एक ही स्वर था, सब लोग कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही तो सांझापुर के अंदर भी है ना, यही तो सांझापुर में भी है ना, सांझापुर भी यही सोचता है। तो बहनों और भाइयों, रामलला अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए। भगवान राम ने अपनी इस बार होली भी मनाई और अपना जन्मदिन भी मनाया अयोध्या में। और जन्मदिन के दिन तो भगवान सूर्य ने प्रभु राम का सीधे सीधे सूर्य तिलक किया, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है जिस शुभ कार्य को कई पीढ़ियां नहीं देख पाई, उस शुभ कार्य को हमारी पीढ़ी देख रही है, अपनी आंखों से देख रही है, महसूस कर रही है, उसके साथ सहभागी बन रही है। इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बहनों और भाइयों, इसीलिए तो रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और मुझे लगता है कि ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह का यह संकल्प आज साकार हो रहा है और उससे संकल्प करने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण कुमार सागर को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतार के भेजा है। बहनों और भाइयों, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट ये सीधे मोदी जी के खाते में जाएगा, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का मतलब दुनिया की ताकत के रूप में भरता हुआ भारत,
विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ऐसा भारत जिसको कोई दुश्मन आंख नहीं दिखाएगा और उस भारत के अंदर आपका भी सम्मान सुरक्षित होगा, आपके घर में भी समृद्धि आएगी, आपके यहां भी विकास होगा और उसी के लिए हम लोग आए हैं। अरुण कुमार सागर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, निषाद पार्टी ने, राजभर पार्टी ने, अपना दल ने, राष्ट्रीय लोक दल ने भी ने अपना समर्थन दिया है, ये सभी लोग उनके साथ सहभागी बन रहे हैं। आप भी अरुण कुमार सागर को अपना आशीर्वाद देने को तैयार है ना, कमल चुनाव चिन्ह पर तैयार है? अरे जोर से बोलो साझापुर वालो, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 13 मई को तो वोट स्वयं तो डालना पड़ेगा, हर व्यक्ति को दो दो परिवारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मतदान स्थल पर ले जाने की, ले जाएंगे। और अभी आपके लिए प्रचार का समय है, आज बहनों और भाइयों 6 मई हो गई, लगभग 6 दिन प्रचार के, इन 6 दिनों में आप कम से कम 4-4 घंटे देश के लिए कमल चुनाव चिन्ह का समर्थन मांगने के लिए क्या घर घर जाएंगे? मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के जाएंगे? अरुण सागर बनकर के जाएंगे? वोट मांगेंगे? लोगों को बताएंगे कि हमें विकसित भारत बनाना है? बनाना है ना? तो बहनों और भाइयों, इसी के लिए मैं और हमारा पूरा मंच आपसे अपील कर रहा है, घर घर जाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने में साझापुर का योगदान होगा, इसके लिए अरुण सागर को यहां से जिता करके भेजेंगे। सहमत हैं? सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों आत्मा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।